गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पार्ट 9 पढ़ेंगे, कदंब का पेड़। यह एक कविता है। इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। इस कविता में एक नन्हा बालक है जो अपनी माँ के साथ शरारत करता है और कन्हैया बनने की कल्पना करता है, है ना? तो चलिए शुरू करें। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे पान सुनी, तुम तो पैसे वाली किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की दाई। वह नन्ना बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, यह कदंब का पेड़, जो कदंब का पेड़ है, यह कहाँ पर होता? यमुना तीरे, तीरे में किनारे, यमुना नदी के किनारे होता। तो मैं इस पर बैठकर धीरे धीरे कन्हैया बन जाऊं, और फिर यदि तुम मुझे दो पैसे वाली बांसुरी ले देती, है ना? और फिर किसी तरीके से वह कदम की डाली नीचे हो जाती। तुम्हें नहीं कुछ कहता, पर मैं चुपके चुपके आया। उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाए, वही बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में मैं तुम्हें बुला। तुम्हें मैं कुछ नहीं कहता और चुपके चुपके में चोरी से आ जाता, और फिर वो जो नीची डाली है, कदम की जो सबसे नीचे डाली है, उस डाली पर चढ़कर मैं सबसे ऊपर चढ़ जाता, और फिर वहां पर सबसे ऊपर बैठकर मैं बड़े मजे से, बड़े अच्छे से बांसुरी बजाता, और फिर बांसुरी के स्वर में, जो बंसी की जो ध्वनि निकलती है, स्वर निकलता है, तो उस स्वर में मैं अम्मा अम्मा कहकर तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ, इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रखमय चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। अब बालक अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, तू मेरी बंसी को सुनकर बहुत खुश हो जाती और फिर अपना सारा काम छोड़कर मुझे देखने के लिए बाहर तक आती। फिर जब मैं तुम्हें आता हुआ देखता तो अपनी बांसुरी को रख देता और बिल्कुल चुप हो जाता, फिर पत्तों में छिप जाता, और पत्तों में छिपकर फिर धीरे से बांसुरी बजा देता। फिर गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, पर जब मैं न करता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई भूली, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। फिर जब तुम गुस्सा हो जाती, अभी गुस्सा होकर मुझे डांटती कि नीचे आ जा, तब फिर मैं फिर भी नहीं उतरता। जब नहीं उतरता तब फिर तुम मुस्कुराती, है ना, हंसती, और फिर हंसते हुए मुझे कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया, मैं तुम्हें नए खिलौने दूंगी, मिठाई दूंगी, माखन मिश्री दूंगी और दूध मलाई दूंगी। ठीक, ये सब चीजें कान्हा जी को बहुत पसंद है, इसीलिए माँ भी अपने बालक से कह रही है कि तुम कदम के पेड़ से नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हें माखन मिश्री, दूध मलाई और नए खिलौने दूंगी। देखिए आप बुक में ये चित्र बना हुआ है, ये देखो कदम का पेड़ है। कदम का पेड़ बहुत घना होता है, बहुत बड़ा होता है। तो एक कदम के पेड़ पर ये बालक बैठा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, है ना? और ये माँ से
मना रहे हैं कि नीचे आ जा भैया, है ना, मैं तुम्हें माखन मिश्री और मलाई दूंगी। ओके, तो इससे आगे की पंक्तियां हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।